अंदर का तो ख्याल रखें, खसूसन गर्दन का पिछला हिस्सा तो बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया जाता है। और जब खवातीन बाल स्टाइल से बनाती हैं, तो मुंह गोरा और गर्दन खसूसन इसका पिछला हिस्सा काला होता है। लाइंस और शिकनें भी पड़ी होती हैं। शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, मेरा आज का ये नुस्खा आपके इस मसले का बहुत ही आसान हल है। ये बहुत ही उम्दा टोटका है, इसके इस्तेमाल से गर्दन की स्याही खत्म हो जाएगी, लाइंस और शिकनें भी मिट जाएंगी। और इस नुस्खे की स्पेशलिटी ये है कि अगर आपकी गर्दन धूप की वजह से काली पड़ गई है तो वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इससे पहले कि मैं आपको आज के इस नुस्खे में इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊं, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, पीछे लगे रेड सब्सक्राइब बटन को दबा दें और इसके साथ लगे बेल आइकन को लाजमन प्रेस करें ताकि आपको मेरी डेली न्यू वीडियो सबसे पहले मिल सके। और इस नुस्खे में जो अज्जा इस्तेमाल होंगे उनमें शामिल है अंडे की सफेदी 1 अदद, नींबू का रस 4 कदम। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि एक प्याली में अंडे की सफेदी और नींबू का रस मिला लें, अच्छी तरह मिक्स करके गर्दन के पिछले हिस्से पर हल्का सा मसाज करते हुए लगाएं। 30 मिनट तक लगा रहने दें, फिर आप अपनी गर्दन सादा पानी से धो लें। अंडा हमारी जिल्द की गिजाई जरूरियात को पूरा करता है। इसकी सफेदी में कुदरती क्लिनजिंग क्वालिटीज पाई जाती है जो स्किन को साफ सुथरी बनाती है। इसके अलावा ये बेहतरीन कुदरती कंडीशनर भी है जो जिल्द पर चमक लाता है। लेमन में सिट्रिक एसिड, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस और मुख्तलिफ किस्म के विटामिन काफी मिकदार में पाए जाते हैं। इसमें कुदरती ब्लीचिंग इफेक्ट मौजूद होता है जो हमारी जिल्द की रंगत निखारने में मदद करता है। अक्सर लोगों का फेस गोरा और गर्दन काली होती है, खास तौर पर गर्दन का पिछला हिस्सा सियाह होता है, लाइंस पड़ी होती हैं और ये बहुत बदनुमा दिखाई देती है। लेकिन मेरा ये आज का टोटका आपका इस मसले को आसान और खत्म कर देगा। आपकी गर्दन पीछे से भी इतनी ही गोरी और खूबसूरत हो जाएगी जितनी के सामने से होगी और हर तरह के हेयर स्टाइल्स आप बआसानी बना सकेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये आज की उम्दा वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँच